बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9, आज हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 कंप्यूटर से, चैप्टर नंबर 2 से। टॉपिक हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर, यानी कि डाटा जो आप उसको देते हो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमने ये बयान करा, इसको हम ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि आपने जो डाटा लिखा होगा कंप्यूटर उसी डाटे को अपनी जुबान में चेंज कर समझ आए। फर्ज किया आप के प्रेस करते हैं, कुछ भी ऐसा लफ्ज प्रेस करते हैं, तो उसके पास उसके बाइनरी डिजिट या उसकी कोडिंग क्या है, तो यहाँ पर कुछ उसने कोडिंग हमें बताई है। अब हम कंप्यूटर कोडिंग की जानी पहले जा रहे हैं, यानी कि अगर हमने करेक्टर लिखना है ये वाला, तो हमारे पास कोड कंप्यूटर के पास है 32 प्रेस होगा तो हमारे पास क्या इसकी डिस्क्रिप्शन बन जाएगी, SPST में ना स्पेस। अगर हम एक्सप्लेनेशन ये वाला बनाते हैं, ये वाला अगर आप कीबोर्ड से इसको प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर कोड को, कंप्यूटर को उन कोड का पता चलता है और वो कोड के हिसाब से करेक्टर को देखता है। जैसे कि आपने ये एक्सक्लेमेशन को क्लिक किया तो कंप्यूटर ने कोडिंग की है इसकी 33, ये कंप्यूटर कोडिंग है। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि हमने उसके नीचे इसको इस पर कर दिया कि अगर हम ये बटन प्रेस करें तो ये 33 प्रेस होगा। उसके बाद अगर हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पर डबल कोटेशन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा 34, ये हमारे पास इसके साइंस होते रहेंगे। हैशटैग का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 35, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में ये हमारे पास क्या होगा 35 होगा। फिर हम ऐसे नीचे आ जाते हैं, अगर हम डॉलर साइन को प्रेस करते हैं तो प्रेस क्या होगा हमारे पास 36 परसेंटेज, यहाँ पर उसका नाम पूरे पूरे मैंने नाम भी बकायदा डिनोट किए हैं कि इसके अंदर क्या साइन होगा। ये नंबर साइन है, जैसे कि यह हैशटैग था, डॉलर साइन है, हमारे पास ये डॉलर साइन भी लिखा है। अब हम बात करते हैं 37, अगर हम परसेंटेज को प्रेस करते हैं तो हमारे पास कोडिंग होगी 37, हमारे पास कंप्यूटर को समझ आएगा कि ये 37 है। 37 के भी वो खुद बाइनरी निकाल कर जो उसकी हमने बाइनरी कोडिंग की हुई है, जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 2 1 2 2 8 16 यहाँ बच गया 8 2 9 का, ये पूरा हो गया 2 2 8 2 4 8 1 2 2 4 0 और 8 2 1 8। ठीक है, ये हमारे पास देखें, अगर इसके भी अगर हम इसके कोड निकालें 37 के, तो हमारे पास कोडिंग आती है 100101, यानी कि ये हमारे पास इसकी कोडिंग आ गई। अब आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड में ये 37 है, 37 से चेंज होकर ये बाइनरी नंबर बन गया। हमने प्रेस करना है परसेंटेज, उसको पता चलेगा कि उसने क्या प्रेस किया है 37, और 37 के नीचे हमने ये बाइनरी नंबर दिए। इसी तरह 39 पे हमारे पास सिंगल कोटेशन है, अगर जो कोडिंग नहीं है जिस पर, यानी कि उसके आगे नहीं कुछ बयान करता, जैसे कि 48 यानी कि 0 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि 48 प्रेस किया है, 1 प्रेस किया है तो कंप्यूटर को पता चला कि 49, 2 प्रेस किया 50, 3 प्रेस किया 51, 4 प्रेस किया 52, 5 प्रेस किया 53, ये मैंने कुछ आपको 57 तक, ये वो कोडिंग है जो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग है, ये पहले से ही लिखी गई है, यानी कि अगर आपने 9 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को मालूम होगा कि आपने जो नंबर प्रेस किया है वो है 57, वो 57 को ही उसके बैनरी निकाल, जो उसके लिखे हुए हैं बैनरी निकाल कर हमने पहले से कीबोर्ड के नीचे, तो वो उसको प्रेस करके जब प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास 9 लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग थी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको मुश्किल लगे या इसमें कोई बात समझ ना आए, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।